दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे Vivo T2X स्मार्टफोन को Samsung Galaxy F14 5G स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि Vivo के अंदर हमें 6.58 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि सिर्फ 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और वहीं दूसरी तरफ Samsung के अंदर हमें 6.6 इंच की फुल HD प्लस PLS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना सैमसंग फोन की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि इस फोन में हमें PLS LCD पैनल दिया गया। भाई अच्छी बात है, बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा, लेकिन यार Vivo को देखना जरा, IPS LCD देके काम ही मुका दिया, और यार सिर्फ 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट दिया। भाई सिर्फ 60 हर्ट्ज, कोई 90 नहीं, कोई 120 नहीं, बताओ कॉस्ट कटिंग करना ना कोई Vivo वालों से सीखे यहाँ पर। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो Vivo का फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है, जो कि फ्रंट एंड 13 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Samsung का फोन भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है, जो कि One UI 5.1 कोर पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है, क्योंकि दोनों फोन यहाँ पर भाई आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आ रहे हैं, अच्छी बात है। चिपसेट की अगर हम बात करें तो Vivo के अंदर हमें Dimensity 6020 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Samsung के अंदर हमें Exynos 1335G चिपसेट दिया गया, जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वैसे तो दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में यहाँ पर दोनों चिपसेट बढ़िया हैं, लेकिन यार अगर आपको थोड़ी सी और बढ़िया वाली गेमिंग करनी है ना भाई, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली Samsung की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन में हमें Exynos 1330 दिया गया। भाई बढ़िया चिपसेट है, बढ़िया वाली गेमिंग आपको करवा देगा। और यार अगर आप इन दोनों फोन में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है दोस्तों बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों स्मार्टफोन्स के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है, और जो इनका कैमरा सेटअप है ना भाई बिल्कुल सेम है। यानी कि जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। दोस्तों जो दोनों फोन्स का मेन कैमरा है ना भाई 50 मेगापिक्सल का, वही काम कैसे रफ और वही आपकी बढ़िया वाली फोटोज और वीडियोस क्लिक कर देगा, प्राइस के अकॉर्डिंग आपको ज्यादा शिकायत नहीं आएगी। और फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूं तो Vivo के फ्रंट में हमें सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, वहीं दूसरी Samsung के फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। भाई सेल्फी लवर के हिसाब से यहाँ पर Samsung का फोन ही विनर है, और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो Vivo फोन यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी के साथ में आता है, जो कि 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ Samsung का फोन यहाँ पर भाई 6000 mAh की बहुत बड़ी बैटरी के साथ में आता है, जो कि 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा भाई, Samsung 25 वोल्ट का सपोर्ट दे रहा है, लेकिन मोबाइल बॉक्स के अंदर आपको कोई भी चार्जर नहीं मिल रहा है यार, ये हाल है बताओ Samsung वालों के। इसलिए दोस्तों इस हिसाब से तो भाई यहां पर Vivo का फोन ही बढ़िया है, बेशक 18 वोल्ट है लेकिन चार्जर तो इन द बॉक्स में मिल रहा है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों फोन यहां पर 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, जिसमें Vivo का फोन सिर्फ 6 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ Samsung का फोन 13 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। यार अगर आपको ट्रूली 5G कनेक्टिविटी का मजा चाहिए ना भाई, डेफिनेटली आप यहां पर Samsung की तरफ जरूर से जाइए। और दोस्तों 3.5 mm जैक और सिंगल स्पीकर हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर दिया गया है। साथ ही सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि Vivo फोन के 6+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 14000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ Samsung फोन के 6+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 16000 रुपए। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों अगर आपको Vivo का ही स्मार्टफोन चाहिए वो भी एकदम 5G, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली Vivo की तरफ ही जरूर से जाइए। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आप एक Samsung लवर हैं और भाई Samsung का ही स्मार्टफोन चाहिए, डेफिनेटली आप यहाँ पर Samsung की तरफ ही जरूर से जा सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग ना आप एक बार Moto G62 5G स्मार्टफोन को भी जरूर से चेकआउट कर लीजिए, भाई वो वाला स्मार्टफोन भी ना सही में काफी ज्यादा बढ़िया है। तो बस दोस्तों यही था मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए। बाय बाय।